आपके हर ख्वाब हर काम के लिए पैसा पूरा हो ये असंभव है, लेकिन हाँ अगर आप गोल्स प्लान कर लें, उस हिसाब से पैसा बचाए, पैसे को डूबने ना दें, तो ये संभव है और आप ये सब कर पाए इसीलिए प्रियंका संभव है। मैं आपके लिए लेकर आई हूं पैसे बचाने के ऐसे टिप्स जो आपके पैसे को बचाएंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे और रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में करेंगे मदद। और आज मैं आपको मिलियन डॉलर एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। पता नहीं जवाब मिलेगा कि नहीं, पर कोशिश तो पूरी है मेरी। और वो सवाल ये है कि अपना घर खरीदा जाए या फिर आराम से रेंट पर रहें, क्या करें आप, क्या है बेहतर? बाय वर्सेस रेंट, क्या है बेहतर आपके लिए? ये सवाल शादी के लड्डू जैसा है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसीलिए मैं दोनों ही सिचुएशन के फायदे और नुकसान आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप जब फाइनल डिसीजन लें तो आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो आखिर क्यों है इतना कंफ्यूजन? अपना घर तो अपना है, पेरेंट्स, बड़े भाई या बड़ी बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे कॉलीग्स, उनके मुंह से ये बात न जाने हमने कितनी बार सुनी होगी ना, अपना घर तो अपना होता है। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब पैसा इकट्ठा होता था फिर घर खरीदा जाता था। लेकिन क्या कर्ज पर घर लेने पर भी वही अपना घर वाली फीलिंग आएगी? जब हर महीने आपकी सैलरी का एक मोटा हिस्सा होम लोन की ईएमआई में चला जाएगा, अपना घर तो अपना है कहने वालों को मुड़कर कौन कहे कि भाई अपना होम लोन भी तो अपना है, आप तो हमारा होम लोन नहीं चुकाने वाले हैं। ईएमआई के आधे पैसे में किराए पर घर मिल जाता है और कई बार तो ईएमआई के हाफ के भी हाफ रेट में आपको घर किराए पर मिल जाता है। फिर ईएमआई के इस कुचक्र में फंसना कहाँ की समझदारी है? कुछ ऐसे ही सवाल है उठते हैं जब बात आती है आप घर खरीदे या रेंट पर रहें। अगर एक मुश्त रकम डाउन पेमेंट देकर आप घर खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लेना है होम लोन तो ध्यान रखिए कि होम लोन पर आपको 8.5% से लेकर 10% तक का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस को भी मत भूलेगा। आपकी ईएमआई देने की कैपेसिटी पर लोन का टेन्योर डिसाइड होगा, यानी 15 साल 20 साल कितना लंबा होगा। हर महीने सैलरी आए ना आए लेकिन ईएमआई की तैयारी पूरी होनी चाहिए। भगवान ना करे आपकी नौकरी चली जाए या फिर आप अपनी नौकरी से लेना चाहते हैं कुछ ब्रेक, तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके अकाउंट में हमेशा पैसा हो और ईएमआई जो है टाइमली कटती रहे। होम लोन के हैं दो फायदे, रेंट अगर खर्च है तो होम लोन का ईएमआई एक इन्वेस्टमेंट। सालों तक ईएमआई चुकाने के बाद ये गारंटी तो रहेगी कि अंत में फ्लैट अपना होगा, हर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आपको अपने होम स्वीट होम की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देती है, यानी आप अपने लिए एक एसेट तैयार करते हुए चलते हैं। होम लोन आपको दिलाएगा टैक्स छूट भी, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट पर ATC के तहत 1.5 लाख की छूट मिलती है, तो वही इंटरेस्ट रीपेमेंट पर सेक्शन 24B के तहत सालाना 2 लाख की छूट आप क्लेम करते हैं। और अब इनकम टैक्स में एक और फायदा भी मिल रहा है, वो है नया सेक्शन 80EEA, इसके तहत एडिशनल छूट आपको मिलेगी। शर्त यह है कि फ्लैट की कीमत 45 लाख तक होनी चाहिए, तो एडिशनल 1.5 लाख की डिडक्शन का फायदा और भी मिलेगा, यानी अगर आपकी खरीद गई प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख से कम हो तो इंटरेस्ट का टोटल डिडक्शन 3.5 लाख पहुंच जाएगा। हाँ वैसे ये बात जरूर अलग है कि मेट्रो शहर में आपको कहां 45 लाख के बजट में कोई फ्लैट मिलने वाला है, और ये एडिशनल छूट आपको केवल 31 मार्च 2020 तक ही मिलने वाली है। अब बात रेंट की, रेंट के दो फायदे। पहला, अगर आप रेंट पर रहने का फैसला करते हैं तो ईएमआई के मुकाबले रेंट आपको सस्ता लगेगा, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं वसूल रहा होगा। ईएमआई के आधे कॉस्ट पर रेंट अदा करें और जितने पैसे की बचत हो उसे म्यूचुअल फंड जैसे रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में लगाएं, जहां रिटर्न मिलना
पक्का रहता है। EMI एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है और इसमें बंधने का मतलब होगा कि हर महीने आपके अकाउंट में EMI के लिए पैसे हो। रेंट का दूसरा फायदा, रेंट पर रहने का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। अमूमन 11 महीने का रेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। घर के लुक से आप बोर हो गए या फिर ठंड के मौसम में आपको लगता है धूप नहीं आती अच्छी, पड़ोसी भी नोजी हो सकते हैं, बस क्या अपना बोरिया बिस्तर उठाया और नए ठिकाने की तरफ बढ़ चले बिना कुछ ज्यादा लोड लिए हुए, आजाद पंछी की तरह। होम लोन क्यों बन सकता है सिद्धर? जॉब सिक्योरिटी, इसे कैसे भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, स्पेशली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो। सैलरी मोटी होगी लेकिन नौकरी कब तक सलामत रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। ऐसे में लॉन्ग टर्म EMI कमिटमेंट जरा डाइसी हो जाता है। रियल एस्टेट के एसेट को जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं तो ये जो स्वीट होम है वो जरा बिटर होम लगने लगता है। जब हम उस एसेट से मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, क्या आप जितना EMI अदा कर रहे हैं उस तरह का रेंट वो प्रॉपर्टी आपको कमा कर देगी, रिटर्न मिलेगा अच्छा। यदि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और रिटर्न कम हो तो फिर तो ये बैड डील ही मानी जाएगी। रेंट पर रहने के फ्लिप साइड भी अपने हैं। रेंट पर खर्च की गई हर एक पाई को हमेशा के लिए भूल जाइए, वो कभी लौट कर नहीं आएगी। इट्स लाइक मनी गॉन फॉरएवर। चाहे आप कितने भी अच्छे किराएदार बनकर क्यों ना रहें, टाइमली रेंट देते रहें, लेकिन वो घर रहेगा तो किसी और का ही। हाँ, वैसे किराए के साथ मकान मालिक की खिटपिट भी लगी रहती है और हर साल रिन्यूअल का झमेला भी रहेगा। बार बार रेंट का घर अगर आप बदलते हैं तो ब्रोकर कमीशन से लेकर नई जगह पर एडजस्ट करना उतना आसान नहीं रहता। मेड, कुक और वही पहचान वाले ग्रोसरी भैया वो कहाँ मिलेंगे, ये सब नए ढूंढने पड़ेंगे नए लोकेशन पर जाकर। तो किराए पर रहेंगे तो रेंट और घर खरीदेंगे तो EMI। इन दोनों खर्चों को अब जरा तोल मोल के देखते हैं। मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं और फंड जुटाकर आपने 10 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया, यानी बची 40 लाख। अब इस पर आप ले रहे हैं होम लोन। इस लोन पर बैंक लेगे इंटरेस्ट करीब मौजूदा रेट 8.5 से 9.5% के हिसाब से। 40 लाख का होम लोन 20 साल के टेन्योर के लिए आपने लिया है और 20 साल पूरे होने पर आपको सूद समेत बैंक को लौटाने होंगे ज्यादा पैसे। प्रिंसिपल की मूल राशि के अलावा इंटरेस्ट करीब प्रिंसिपल का 2.5 गुना होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 9.5% के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है और EMI कैलकुलेट करते हैं। इस 40 लाख के होम लोन का एक साल यानी 12 महीने का रफ ब्रेकअप अब समझते हैं। 35,348 रुपए, ये है आपकी मंथली EMI मल्टीप्लाइड बाई 12, 4,24,176 रुपए आप एक साल में पे कर रहे हैं। और इसे आप स्प्लिट करते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में तो 4,24,176 की साल भर की EMI में आप चुका रहे होंगे केवल 78,355 रुपए का प्रिंसिपल और मोटा चंक 3,45,821 रुपए आप देंगे इंटरेस्ट की तरफ। 20 साल में आप 44,83,623 का इंटरेस्ट अदा करेंगे। 40 लाख के प्रिंसिपल के साथ इसे जब ऐड करेंगे तो आप बैंक को पे करेंगे टोटल 84,83,623 रुपए। अब अगर यही 50 लाख का फ्लैट आप रेंट पर लेते हैं तो लगभग रेंट हम मान लेते हैं 15,000 से 20,000 के बीच में होगा। अब इसे आप रखिए 35,348 रुपए की EMI के सामने, तो चाहे रेंट 15,000 हो या 20,000 कम ही है, तो 35,348 की EMI मतलब एक साल में आप खर्च कर रहे हैं 4,24,176। वहीं अगर मैं हायर रेंट लेती हूँ कि 20,000 आप रेंट दे रहे हैं तो एक साल का खर्चा है 2,40,000 रुपए। तो अंत में यही कंक्लूजन है कि इस डिलेमा का एक सीधा सरल जवाब नहीं हो सकता कि रेंट बेहतर है या फिर घर खरीदा जाए, और ये एक इंडिविजुअल फैसला भी है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जरूर हैं जिनका अगर आप जवाब दे सकते हैं तो इस डिसीजन तक पहुंचने में आपको आसानी होगी, आपके बाय वर्सेस रेंट की डिलेमा कम हो जाएगी। पहला सवाल, जॉब स्टेबिलिटी कितनी है जिससे कि सैलरी की स्टेबिलिटी भी तय होगी।
यानी क्या आप होम लोन और ईएमआई की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए तैयार हैं? दूसरा सवाल, क्या आपकी जॉब का नेचर ऐसा है कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मतलब शहर और लोकेशन बदलते रहते हैं, या आप जल्दी जल्दी कंपनी बदलते हैं? तीसरा सवाल जिसका जवाब आपके पास होना चाहिए, आपका बजट क्या है और उस बजट में आपको अपने पसंदीदा लोकेशन पर फ्लैट मिल रहा है जहां आप जिंदगी गुजारना चाहेंगे? अंत में यही कहूंगी कि चाहे आप रेंट पर रहें या घर खरीदें, घर के हिसाब से बजट फिक्स मत कीजिए, बल्कि बजट तय कीजिए और उस हिसाब से घर को फिक्स कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अपने से जुड़े कुछ सवालों का जवाब मिल रहा है, तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही अपने कमेंट्स भी भेजिए, हमें इंतजार रहेगा। क्विंच हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के फायदे वाले वीडियो आप कभी ना मिस करें।